पहले बॉल के लिए हम तैयार हैं मोहाली शहर में। दबा दिया है कवर पॉइंट की तरफ से, हल्का सा शेप मिला उनको और हार्डी का अभी तक अपील यहां पर अच्छी है और उंगली ऊपर, सफलता मिलती हुई हार्डी को। पंजाब द शेर ने यहां पर बड़ा झटका बंगाल टाइगर्स को दिया है। एब्सोल्युटली ही वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड संधु एंड अंपायर हैड नो हेजिटेशन टू गिव हिम आउट। उठा दिया है पॉइंट के ऊपर से, मुझे लगा थिक एज था, आउटफील्ड इतनी तेज, चार रन के लिए। जैमी का एक ही अंदाज है, एक ही तरीका है बैटिंग करने का, ये तो उन्होंने साबित कर दिया है। एक अलग स्वैग, ओ क्लीन बॉल, बॉनी को यहां पर जाना होगा और निंजा ने जिस प्रकार का झटका दिया है बंगाल टाइगर्स के फैंस के चेहरे पर वो भावना दिख रही है। और दूसरी ओर होम टीम, होम सपोर्ट बहुत ज्यादा खुश, टॉस जीतकर बंगाल टाइगर्स का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। लगभग तीन दशक का इतिहास है 1993 से लेकर अभी तक, ये अच्छी ड्राइव है और चार रन मिल जाएगा यहां पर। जैमी के बल्ले से रन आ रहे हैं आज। बिया बिल्कुल कट पुल करने की कोशिश लेकिन बच जाएंगे, थर्ड मैन मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड, चार बचाने में क्या यहां पर सफल हुए हैं देखना होगा जरूर, लेकिन इतना वक्त काफी था। दोनों ही बैट्समैन की तरफ से तीन रन ले लिए और पावर प्ले के साथ हुआ है समाप्त। शॉट, हल्की सी छोटी गेंद और पूरा फायदा उठा के जीशु ने स्क्वेयर लेग के पीछे मार दिया, चार रन, 13 रन आ चुके इस ओवर से। एक और अच्छा शॉट उसी दिशा में और चार रन और मिलते हुए जैमी फॉर्म में आते हुए पांच ओवर्स में 49-2 बंगाल। Feeling actually because last match of course you guys didn't win and before that and it's a six. But yeah, it was a tough fight. It was a tough fight and now we are here with the Punjab Desher, not out. And we think we are going to win this. Okay, I think we are going up. One second, there's something on the field. We'll come back. Yeah. और इस एंगल से जब दिखेंगे ना तो आपको क्रीज के बहुत बार दिखेंगे, बहुत बार दिखेंगे। ये तो जाना पड़ेगा वापस, बहुत निराश होंगे यहाँ पे जीशु, बहुत निराश होंगे कप्तान। फिर से एक लॉफ्टेड शॉट और एक मौका लेकिन पियर्स किया दोनों फील्डर्स के बीचों बीच, एक करारी बाउंड्री वहां पर और क्या दिन रहा है ये जैमी बैनर्जी के लिए, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हो, क्या शॉट है जनाब, चार के लिए है ये वार और खुश बंगाल टाइगर्स का खेमा। ये छठा चौका है जैमी के बल्ले से, स्लोअर बॉल थी और इसी वजह से विकेट मिला क्योंकि पेस दी नहीं थी वहां पर गेंदबाजी में। ये कैच का मौका बनेगा और विकेट है, लेंथ पीछे खींची, इस बार गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे नहीं थी, लेंथ पीछे खींच ली और इसी वजह से गलती हुई राहुल से। और फाइन लेग ऊपर था और यहां चार मिलने चाहिए, बाउंड्री के साथ ओवर समाप्त होगा, यानी 11 रन आए इस ओवर से। क्या शॉट है, कैच और क्या शानदार कैच वहां पर पॉइंट में, जबरदस्त जस्सी गिल ने कमाल कर दिखाया है, हाथ से छूटी गेंद फिर भी अपने फोकस को बनाए रखा। तो शायद इतना स्विंग नहीं देखने को मिलेगा लेकिन यहां पे विकेट देखने को मिलेगी, अच्छा कैच पकड़ा है, ओ शाबाश। उदय की बॉलिंग, पहले ही बॉल पर यहां रन्स, अच्छी फील्डिंग वहां डीप में लेकिन काफी मौका था यहां पर अपना खाता खोलने के लिए निंजा के पास। क्या बात है, लाइन एंड लेंथ देखिए और आउट दिया गया है, खुशी देखिए कोच पप्पा के चेहरे पर, लंबा इंतजार किया था उन्होंने। और तुरंत ही यहां पर रिव्यू लिया है निंजा ने और अपनी बैट को दिखाते हुए बबल की ओर, क्या कोई बाहरी किनारा लगा है, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। बिल्कुल एक इंच के लिए पिचिंग इन लाइन, नहीं तो थोड़ा सा अगर बाहर होती तो आउटसाइड लेग हो जाता, लेकिन यहां पर खतरे में निंजा।
अंपायर की ऊपर तवज्जो और अंपायर ने आउट दिया। ऑन फील्ड डिसीजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए आखिरी बॉल और बड़ा शॉट। ऊंचाई है क्या, दूरी है, दूरी तो नहीं, हाथ में गेंद, व्हाट अ कैच। आज कुछ जबरदस्त कैचेस दिखे हैं, क्या बात है, मिडल स्टंप को उखाड़ दिया और वो सेलिब्रेशन पर नजर डालिए। सत्यदीप क्या कमाल कर दिया है आपने। ओहो, परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर मिडल स्टंप उड़ा था तो अब लेग स्टंप को तोड़ दिया है सत्यदीप ने। फायर अप सत्यदीप, अंगार बरसाते हुए यहां पर पंजाब दे शेर को उठाकर खेला इस बार हार्डी ने और चार रन्स मिलेंगे, बहुत ही जरूरी है चार रन्स। और देखिए यहां पर उठता हुआ शोर पंजाब दे शेर के सपोर्टर्स की ओर से। अरे कहानी में एक और ट्विस्ट, आनंदा ने क्लीन बोल्ड कर दिया है हार्डी संधू को। शॉट है जनाब और ये छह के लिए प्रहार है, करारा प्रहार है, इनको तो खुश कर दिया। मयूर ने 140वां छक्का टूर्नामेंट का लाके पहले टियर पे बॉल भेज दिया है। ओह, शॉट टू द मून एंड बैक। बॉल ढूंढिए पहले तो आप, क्या शॉट है ये। ये देखिए 141वां छक्का और ये टॉप एज और शॉट थर्ड मैन के ऊपर से चार रन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फोर रन्स। ये देखिए ऊपर वालों का शुक्रिया अदा करके। ना ना ना, वो टेंशन लग रही थी, मुझे लगा बेंगोल टाइगर्स की खेमे में वो चेहरा था शायद, जो कह रहे थे अरे कहां से आ रही है बाउंड्रीज। नहीं नहीं नहीं, और पंच कर दिया है बिल्कुल पंजाब के शेर के डगआउट में। ये देखिए पार्ले फैन, ये देखिए फैंस, 142वां छक्का उठा दिया है, मौका हो सकता है यहां। और ये अच्छा कैच नेवरदलेस, मयूर की एक इंपैक्टफुल इनिंग्स, 55 रन की पार्टनरशिप हुई थी। और ये फिर से गेंद चढ़ी है, एक मौका और हो सकता है, और ये दो रन, दो महत्वपूर्ण रन मिले हैं। और ये फिर से एक और रन मिस फील्डिंग होके, और पंजाब का क्राउड चार रन भाग चुके, नहीं तीन रन भागने के बाद शायद यह अंपायर ने आउट दे दिया है। और मनमीत आ गए हैं और मार दिया है स्ट्रेट, एक और छक्का, वो देखिए इमोशंस। पंजाब दे शेर लीडिंग बाय फोर रन्स, एब्सोल्यूट इमोशंस हियर। बहुत अच्छी बॉलिंग है, बहुत अच्छी गेंदबाजी है, सिंगल जरूर मिलेगा पर बहुत अच्छी कमबैक राहुल के द्वारा। कैटलिस्ट का रोल मयूर ने अदा किया है, ये देखिए। और अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए यॉर्कर लेन गेंद, लेकिन यहां पर दो रन लेने में जरूर सफल होंगे। बाउंड्री के नजदीक अच्छी फील्डिंग यहां डीप में, स्कोर लेवल थे लेकिन अब बढ़त आएगी वापस बंगाल टाइगर्स के पास इन छह रनों के साथ। शॉट है जी, शॉट है चार रनों के लिए, बेहतरीन पुल। और राहुल भी अपने हाथ खोलते हुए, पहला चौका उनके बल्ले से, लेकिन यहां पे काम किया गेंदबाज ने, बबल के नाम विकेट। और ये बड़ी विकेट है क्योंकि जीशु बंगाल टाइगर्स के कप्तान को आउट किया है बबल राय ने। बहुत आसान कैच था मयूर के लिए, प्लेसमेंट अच्छी है, यहां पे रन मिलेंगे, आउटफील्ड तेज है और चार मिल जाएंगे। अच्छी तेज आउटफील्ड है यहां पे मोहाली के अंदर, और चेज में ना यहां पे एक बार इनफील्ड को बीट कर दें तो आपको रन्स मिलेंगे। पवेलियन ने दोनों टीम्स के बाहर निकल के स्टेप आउट करके फिर ग्राउंड पे जाते हैं। कैच लिया जाएगा, सुयश के नाम विकेट है। ये शॉट लॉफ्ट किया, कोई मौजूद नहीं पीछे, चार रन मिलेंगे और थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे जॉय इस शॉट के बाद। इनका भी थाई फाई हो गया, जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग है उनके पास, लेकिन इस शॉट में
जबरदस्त टाइमिंग है राहुल के पास, 6 रन मिलेंगे। सभी का समर्थन करते हुए और यहां पर एक जबरदस्त शॉट, फील्डर मौजूद है लेकिन उनसे काफी दूर, लग गया है एक चौका। ये 12वां मैच जहां पर जॉय ने एक और बड़ा शॉट अटेम्प्ट किया, इस बार मौका था हाथों के बीच से। हियर कम्स देव, बिग शॉट फ्रॉम राहुल एंड देयर इज अ फील्डर देयर अप अबव हिम, गोज ऑल द वे, इट्स अ सिक्स हियर। व्हाट शॉट मेकिंग दिस फ्रॉम राहुल, और ये घुमा दिया है छक्का और एक अर्धशतक राहुल का। ये देखिए बप्पा, कोच बप्पा एब्सोल्युटली एनिमेटेड, और ये देखिए फैंस पे बड़ा शॉट ऑफसाइड की दिशा में, दो फील्डर्स दौड़ रहे हैं और एक क्रैम्प कर रहे हैं वहां और दूसरे भी नहीं पहुंच पाएंगे, परेशानियां अब सच में बहुत ज्यादा हैं। राहुल ऑन स्ट्राइक नाउ, गोस बिग, गोस लॉन्ग, गोस फार, क्लियर्स द बाउंड्री लाइन बाय अ डिस्टेंस। Punjab Desher have to avoid these length balls because Rahul is looking at this cricket ball like a football. Big once again, this time is there a fielder there? Yes! The journey comes to an end. Ek aur bada shot gap mein, koshish thi seedha jane ki, timing us tarah ki mil nahi payi lekin kaam ho gaya. ये देखिए बैटिंग कार्ड बंगाल टाइगर्स का, राहुल एक करारा शुरुआत और जॉय उठा दिया है पहली ही बॉल को और कैच का मौका बन सकता था लेकिन पूरी दूरी यहां तय नहीं कर पाए फील्डर, हाथा खुलता हुआ, बेहतरीन शॉट यहां पर हारी की ओर से, फ्लैट सिक्स, मौका बन सकता है यहां पर, उठाकर खेला है, ओ कैच, छटका और 4 रन मिलेंगे। क्या यहां पर बड़ा जीवनदान जो हार्डी को मिला है वो महंगा पड़ सकता है बंगाल टाइगर्स को। इस बार क्या मौका है, उठाकर खेला है और कैच आउट, बेहतरीन कैच इस बार राहुल का, कोई गलती नहीं डीप के फील्डर से इस मौके पर और हार्डी का विकेट उठा दिया जस्सी ने। इस बार कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, 4 रन मिलेंगे, 33 रन हो चुके हैं और रिक्वायर्ड रन रेट के थोड़ा तो करीब है जरूर। राउंड द विकेट, यहां पे रन मिलेंगे, बाउंड्री राइडर नहीं मौजूद है वहां पे, 4 और लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, कट किया और एक बार फिर से गैप में जाती हुई गेंद, एक और चौका, 14 रन का ये ओवर आखिरकार आया 5 ओवर्स के बाद 63 पर एक पंजाब दशेर। बाकी अंडर 19 इंडिया आई प्लेड, छक्का लग गया, छक्का लग गया, बच गई मैं, बच गई मैं, बच गई। कमिंग डाउन द ग्राउंड, इट्स गॉन वेरी हाई, इज देयर अ फील्डर अंडरनीथ, नो, केम सो क्लोज दैट जामिया वंस अगेन, द नेट रन रेट इज गोइंग टू कम इनटू प्ले एंड लॉफ्टेड ओवर कवर्स फॉर अ बिग सिक्स, अनदर टॉप शॉट। It's the net run rate that is also important. And if you're Bengal, you want to get this done with early. That'll help. Change in pace. And Jammy showing us his dance moves. More than that, in fact. And he's heaved the first one over mid-wicket for a 6. What a start. 96 for 4 after 8. It will help them in the net run rate. And he's gone off stump out of the ground. Clean bowled, bubble rai has to go back. Do wicket le chuke hai. Aur ek aur danda. Look at her. Ek badhiya shot Anuj ke taraf se aur gaya hai all the way. Aakhri lammo par. Behtareen 6. एक और लेंथ गेन और एक और बार उठा दिया है अनुज ने, एक और छक्का। अनुज खुराना बैक टू बैक सिक्सेस और आखिरी गेंद पर डॉट बॉल जैमी के लिए और जीत बंगाल टाइगर्स की हर तरफ से और उनके प्रदर्शन A+। जरा देखिए पंजाब दे शेर यहां पर
मयूर ने फिर एक शानदार इनिंग्स दिखाई।